हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ पायजामी, ट्राउज़र्स। और फ्रेंड्स, ये 6-7 मंथ तक बच्चों की ईजली आ जाएगी। और इसके साथ मैं पूरा सेट बना रही हूँ, इसके स्वेटर, कैप, बूटीज़ भी मैं बना रही हूँ। और इसकी मैं लेंथ आपको बता देती हूँ, वैसे मैंने वीडियो में भी टाइम टू टाइम सब कुछ बताया है। और देखिए, ये 15.5 इंचेस टोटल लेंथ है। और ये यहाँ तक कितनी है, ये आसन कितना है, ये सारा मैंने वीडियो में साथ साथ बनाते हुए बताया है। और ये वाला जो है, ये मैं बता देती हूँ। देखिए, ये हमारा 11 इंचेस है। आपने कम ज़्यादा करना हो तो उससे जो फंदे हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हो। ये पैजामी बनाई है, और पैजामा इससे थोड़े खुले साइज़ के भी मैंने इतनी ही एज के बच्चों के जो है उनकी भी मैंने वीडियोज़ जो है अपलोड की हुई है। और फ्रेंड, इसके जो स्वेटर्स या जो भी पार्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं उनके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये हम बेबी वूल यूज़ करेंगे, 4-ply वूल है, और ये 10 नंबर निटी नीडल्स। तो चलिए बनाते हैं इसे। फ्रेंड्स, ये हम पजामी बना रहे हैं। पजामी बनानी मैंने स्टार्ट कर ली है, इतनी मैंने बना ली है। अब पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया, उसके बाद फिर हम आगे इसे बनाएंगे। तो पहले मैं इसका बॉर्डर पैटर्न बता देती हूँ कैसे बनाया मैंने। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बॉर्डर पैटर्न के लिए चाहिए स्टिचेस मल्टीपल ऑफ 4, और यहाँ पर मैंने 12 स्टिचेज लिए हैं। और ये 2x2 रिब का बॉर्डर बनाया है, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे का। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपने बिगनर्स के लिए। तो पहले हम 2 फंदे सीधे डालेंगे। ये row 1 है राइट साइड से, knit 2 purl 2, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, इन्हें हमने बार बार रिपीट करते जाना है। knit 2 purl 2, knit 2 purl 2। तो ये 12 फंदे हैं 4 के मल्टीपल में जो मैंने लिए हैं। अब हमारी row 2 है, और ये भी row 1 की तरह, मींस ये हमारा 1 row का ही पैटर्न है, 1 row ही हमने रिपीट करते जाना है। knit 2 purl 2, फर्स्ट रो की तरह ही हमने ये रो बनानी है। तो ये था हमारा बॉर्डर पैटर्न। और अब हमारी फिर row 3 है, तो इसको हमने वही row 1 रिपीट करनी है। एक रो और बना देती हूँ मैं, 2 फंदे सीधे। अब देखिए, सीधे फंदों के ऊपर सीधे बनाएंगे, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे बनाएंगे। लास्ट में उल्टे फंदे आते हैं हमारे पास। स्टार्टिंग में हमने सीधे से किया, लास्ट में उल्टे, और ये हमारा इस तरह से बॉर्डर बनेगा। ये बॉर्डर बनाने के बाद, उसके बाद जो लास्ट रो बॉर्डर की, बॉर्डर जब मैंने बनाना बंद करना था तो मैंने यहाँ पर 2 स्टिचेस इनक्रीज किए और पूरे फंदे उल्टे बनाए। लास्ट रो ऑफ द बॉर्डर पर ऑल द स्टिचेस और इनक्रीज 2 स्टिचेस। यहाँ से देखिए, 1 स्टिच आप किसी भी तरह से इंक्रीज कर लें, यहाँ से इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे, 1 स्टिच हमने और इंक्रीज करना है। तो अब हमारे पास ये 14 स्टिचेस हो जाएंगे। देखिए, आप इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसे करने के बाद आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, किसी भी तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो। और अब हमारे पास 14 हो गए। 14 हमने इसलिए किए हैं क्योंकि हमें जो पैटर्न डालना है ऊपर, उसके लिए स्टिचे चाहिए मल्टीपल ऑफ 4+2। तो 1 right side से purl 2, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, ये हमने रिपीट करना है। purl 2 knit 2, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और ये हमारी पैटर्न की बेसिक रू है 1 purl 2 knit 2 purl 2
नीट टू, और लास्ट में हमारे पास टू स्टिचेस उल्टे आएंगे, लास्ट में पर्ल टू। तो देखिए ये हमारा अब इस तरह से बन गया। अब रो टू, अगेन बेसिक रो, अब जैसे फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, सीधे फंदों के ऊपर सीधे फंदे, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे। तो रो टू रॉन्ग साइड से, निट टू पर्ल टू, यही हमारा रिपीट रहेगा। दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, यही हमने रिपीट करना है। अब देखिए ये सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हमने सीधा बनाना है। ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास ये सीधे स्टिचेज आएंगे। अब ये थी हमारी बेसिक रो वन एंड टू। और फ्रेंड्स अब ये रो हमने एक बार ही बनानी है, इसके बाद हम ये रो नहीं बनाएंगे। इसके बाद जो हमारा पैटर्न है वो सिक्स रोज का पैटर्न है सिर्फ, और ये सिक्स रोज का पैटर्न की अब हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट होती है। तो अगेन हमने ऐसे ही बनानी है, रो वन ऑफ पैटर्न, पर्ल टू, नीट टू, बनानी हमने वैसे ही है। लेकिन ये रो हम रिपीट करेंगे हर बार जब पैटर्न स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो टू रोज जो हमने पहले बनाई है वो हम नहीं बनाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे, वो हमने स्टार्टिंग में ही बनानी है। देखिए अब ये हमारा इस तरह से बन रहा है। अब रो टू, तो जैसे हमने पहले बेसिक रो टू बनाई है, जैसे हमारे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही, मींस निट टू, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, ये चार फंदे हमारे रिपीट होते जाएंगे, सीधे फंदों के ऊपर सीधे फंदे, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे, निट टू पर्ल टू, निट टू, देखिए पर्ल टू, ये दो फंदे उल्टे हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे, और ये दो फंदे सीधे हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे। अब हमारी रो थर्ड राइट साइड से, तो ये राइट साइड से रो थर्ड पर्ल टू, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, अब ये दो फंदे सीधे आएंगे। इससे पहले देखिए ये वाले जो ये वाले दिखाई दे रहे हैं हमें, ये थ्री इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं, वन टू एंड ये थ्री। तो इस तरह थर्ड स्टिच के नीचे से हम ये इस तरह से नीडल डालेंगे देखिए, और यहाँ पर इस तरह से लूप लाएंगे, तो इसको इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इसे बनाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ेंगे, और ये दो फंदे जो सीधे हैं इन्हें सीधे बनाएंगे इस तरह से। अब अगेन ये स्टिच दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम वन टू थ्री, ये देखिए थर्ड लूप, इस तरह से थर्ड लूप के नीचे से हमने ये बनाना है। और अब ये टू स्टिच उल्टे हैं, ये उल्टे ही बनाने हैं। अब देखिए ये इसके साथ जो सीधे स्टिच बनाने हैं, तो उससे पहले हमने ये लूप लेना है। तो हमारा रिपीट पैटर्न ये रहेगा, पर्ल टू, दो फंदे उल्टे, स्टार्टिंग में दो फंदे उल्टे डाले, फिर वन लूप बिलो थर्ड स्टिच, फिर टू फंदे सीधे, नीट टू, फिर वन लूप बिलो थर्ड स्टिच। अब देखिए फिर ये वन टू और ये थ्री, ये थर्ड जो स्टिच दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरह से नीडल डालेंगे और इसे लूप लेके आएंगे। और ये पैटर्न देखिए, ये वन टू थ्री, ये पैटर्न बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। और ये लूप लाएंगे, तो इस तरह से ये बनता जाएगा। अगेन पर्ल टू, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर हम लूप लाएंगे, मेक लूप बिलो थ्री इस तरह से, और फिर ये टू स्टिचेस उल्टे, और फिर ये वन टू थ्री थर्ड स्टिच से इस तरह से हम लेंगे, और लास्ट में ये टू स्टिचे ये उल्टे आएंगे। ये थी रो थर्ड। अब रो फोर्थ राइट साइड से, देखिए ये टू स्टिचे सीधे हैं, इन्हें तो हमने ये वाले
स्टिच तो वैसे ही बनानी है। नीट टू यही रिपीट पैटर्न है। ये स्टिच जो हमने इधर से लूप निकाला था इसे हमने स्लिप करना है, बनाना नहीं। ये टू स्टिचेस पर्ल वाइज और ये स्टिच फिर वही है, इसे हमने स्लिप करना है। अब रिपीट पैटर्न क्या है, नीट टू स्लिप वन पर्ल टू स्लिप वन, दो फंदे सीधे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर ये दो फंदा बिना बुने उतारेंगे, अगेन नीट टू, दो फंदे सीधे इसे बिना बुने उतारेंगे और दो फंदे उल्टे, और फिर ये वाला स्टिच है इसे इस तरह से स्लिप करेंगे, अगेन नीट टू स्लिप वन पर्ल टू और स्लिप वन एंड पर्ल, सॉरी नीट टू। तो ये थी हमारी रो फोर्थ और ये सिक्स रोज का पैटर्न है हमारा। अब रो फिफ्थ पर्ल टू, ये दो फंदे उल्टे बनाने हैं। अब ये हमारे पास टू स्टिचेस सीधे थे, यहाँ पर अब चार स्टिच हो गए, फोर स्टिच। तो अब हमने इस तरह से लेनी है ये स्टिच और इसको इधर से बैक साइड से ऐसे हम इसको बनाएंगे इस तरह से, लेकिन इनको हम छोड़ेंगे नहीं, ड्रॉप डाउन नहीं करेंगे। ये लिया, इसके बाद ये फोर स्टिच हम ये आगे से बनाएंगे ऐसे, पहले बैक लूप से फिर फ्रंट लूप से इस तरह से। अब हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे फोर स्टिचेस को। अब देखिए ये हमारे पहले दो के चार बने थे, अब अगेन दो चार के दो बन गए, अब हमारे स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब यही हमारा रिपीट पैटर्न है। क्या रिपीट पैटर्न है, पर्ल टू दो फंदे उल्टे, निट फोर टुगेदर इस तरह से थ्रू बैक लूप, देन थ्रू फ्रंट लूप इस तरह से। जब ऐसे बनाओगे तो इस थ्रेड को इस तरह से करोगे, क्योंकि अगर हम ये सीधा करते हैं तो थोड़ी ये थोड़ा स्टिच बनाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे ये इजीली बन जाता है। तो इस तरह से बन गया, अगेन पर्ल टू, यही हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा, पर्ल टू निट फोर टुगेदर थ्रू बैक लूप, देन थ्रू फ्रंट लूप। इस तरह से अब लास्ट में टू स्टिचेज उल्टे आएंगे, हमारा रिपीट पैटर्न यहीं पे ओवर होता है और ये स्टिचेज उल्टे। तो ये पैटर्न हमारा इस तरह से बनेगा। और अब हमारी सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से, लास्ट रो ऑफ द पैटर्न, दो फंदे सीधे नीट टू, यही हमारा रिपीट पैटर्न है, नीट टू पर्ल टू, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, यही हमने रिपीट करते जाना। देखिए ये दो फंदे सीधे है, ये दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। ये हमारी रोज ऐसे ही बननी है, एक रो में हमने स्लिप करना है। तो यही पर्ल टू नीट टू यही हमने बनाते जाना है, और यहाँ पर हमारा पर्ल टू पे रिपीट पैटर्न ओवर होता है, लास्ट में टू स्टिचेस सीधे हैं तो ये हम सीधे ही बनाएंगे। और बैक साइड से हमारा ये इस तरह से बना है, और देखिए ये हमारा पैटर्न इस तरह से बनता है। और फ्रेंड्स अब यही 1 to 6 रोज रिपीट करेंगे, पैटर्न की बेसिक रो नहीं रिपीट करेंगे, और इसी तरह हम रिपीट करते हुए हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। और पैटर्न देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लगता है ये। और यहाँ इस बॉर्डर के लिए हमें स्टिचेज चाहिए मल्टीपल ऑफ 4, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 48 स्टिचेस। और ये नीट टू पर्ल टू का बॉर्डर जैसे मैंने बताया वैसे 11 रोज मैंने बना ली, और 12th रो रॉन्ग साइड से वहाँ पर मैंने ये 2 स्टिचेस इंक्रीज किए हैं, बढ़ाए हैं, जिससे हमारे पास 50 स्टिचेस हो गए। पैटर्न के लिए हमें स्टिचेज चाहिए मल्टीपल ऑफ 4+2, तो पैटर्न हमारा 50 स्टिचेस के ऊपर सेट हो जाएगा। और जो हम पैटर्न डालने चाह रहे हैं उसके लिए
वो पैटर्न जो है 2 बेसिक रोज का है और प्लस पैटर्न की 6 रोज। जो हम 2 बेसिक रो पहले बनाएंगे, एक राइट साइड से एक रॉन्ग साइड से, वो हम रिपीट नहीं करेंगे, 1 to 6 रोज हम रिपीट करते जाएंगे। तो इसलिए बेसिक रो को मैं 1, 2 ही बोलूँगी और पैटर्न की रो 1 to 6, उसको पैटर्न की रो 1 और 2, वही आपको टेक्स्ट में मिलेगा, वही मैं आपको बताऊँगी। तो उसके बाद मैंने ये पैटर्न जो, और मैंने ऐसा ही बताया है जब मैंने आपको डेमो में ये पैटर्न बना के दिखाया है। और उसके बाद हमने स्टिच जो है वो इंक्रीज किए हैं। इसमें फर्स्ट पैटर्न मैंने कंप्लीट करके फिर 6 जो सेकंड पैटर्न स्टार्ट किया तो उसकी रो 1 पे, और उसके बाद मैंने फिर थर्ड पैटर्न स्टार्ट किया तो थर्ड पैटर्न की 3rd रो पर इंक्रीज किए। हमने क्या करना है, एट एवरी 8th रो, 7 रो छोड़ करके 8th रो पे हमने दोनों साइड से 1-1 स्टिच इंक्रीज करना है। एक एक स्टिच दोनों तरफ से बढ़ाते जाना है 8वीं सिलाई पर। तो इसी तरह मैंने बढ़ाते हुए, देखिए यहाँ पर मैं बढ़ाती गई हूँ दोनों तरफ 1-1 स्टिच, तो यहाँ पर अब मेरे पास 64 स्टिचेज हैं। अब 64 स्टिचेज, और मैं अब लेंथ भी बता देती हूँ ये मैंने कितनी बना ली है। अब देखिए इसको हम मेज़र कर लेते हैं, तो देखिए ये 7.5 इंचेस है, इतना हमने बनाया है, ये टोटल 7.5 इंचेस। और यहाँ पर जो मेरी रोज़ बनी है वो 32 रोज़ बनी है ये पैटर्न के बाद, यहाँ से हम काउंट करेंगे पैटर्न के बाद, तो ये 32 रोज़ बनाई है, क्योंकि वूल का और नीडल्स का और हाथ का फ़र्क होता है, तो आप मेज़र करके ही बनाएं। उसके बाद अब हमने आगे बनाना है, अब हमारे पास 64 स्टिचेज है, तो यहाँ पर हमने 3 स्टिचेज इस साइड इंक्रीज करने हैं, 3 स्टिचेज इस साइड इंक्रीज करने हैं। अब हम इसके बाद आसन स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर स्टिच कैसे इंक्रीज करेंगे, आप कैसे भी कर लीजिए, इस तरह से 1 स्टिच हो गया, अगेन इसको बनाएंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं, इसी तरह यहाँ पर डाल देंगे तो 2 हो गए। अब फिर यहाँ पर 3rd स्टिच इंक्रीज करेंगे, इसको बनाएंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, तभी हमारे ये 3। अब देखिए ये 3 स्टिच हमारे इंक्रीज हो गए, अब हमने सीधा सीधा बनाना है इस तरह से, तो ये रो हमने कंप्लीट करनी है। और फ्रेंड्स ये पैटर्न मैंने 4 पैटर्न डाले हैं, यहाँ पर देखिए 4 ही पैटर्न डाले हैं, और अगर आप चाहो तो ये पैटर्न ज़्यादा भी बना सकते हो, मीन्स आप पूरा ऊपर तक भी ये ले सकते हो, इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये रो ऐसे सीधे स्टिचेस की मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ एंड में। तो देखिए ये हमने 3 स्टिच इंक्रीज किए थे यहाँ पर, इस तरह से बन गया ये, और ये मैंने रो कम्प्लीट कर ली। अब राइट साइड की रो कंप्लीट होगी रॉन्ग साइड से। अब हमने यहाँ पर भी 3 स्टिच इंक्रीज करने हैं, दोनों तरफ हमने 3 स्टिच इंक्रीज करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर उल्टे स्टिच हैं, तो इस तरह से उल्टा फंदा बनाएंगे और इसको हम इस तरह से ले लेंगे, अगेन 1 स्टिच हो गया, अगेन 2 एंड 3। अब 3 स्टिच यहाँ पर हमारे पास बढ़ गए, अब हम इनको बनाएंगे, तो ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह। ये देखिए ये स्टिच बना लेंगे और अब हम ये रो बना लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब फ्रेंड्स हमने ये रो इसी तरह उल्टे फंदे बनाने हैं सारे, और इसके बाद हमने ऐसे ही बनाते जाना। अब इसके बाद हम आसन बनाएंगे, ना कोई इंक्रीज ना डिक्रीज कुछ नहीं करना, हमने सीधा सीधा स्टॉकिनेट स्टिच का बनाते जाना है, सीधी उल्टी रो का। तो ये मैं आसन की लेंथ थोड़ी सी बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने यहाँ पर 3 स्टिच इंक्रीज किए थे, उसके बाद मैंने इतना बना लिया है, ये हम आसन थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं क्योंकि डायपर के साथ छोटे आसन में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए ये 6.5 इंचेस बन चुका है, और अब हमने ऊपर बॉर्डर बनाना है, और बॉर्डर हम बनाएंगे यही जैसे हमने यहाँ पर बनाया, लेकिन अब हमारे पास स्टिचे जो हैं 4 के मल्टीपल में नहीं है, 2 के मल्टीपल में है, तो यहाँ पर नीट 2 पर्ल 2 ये रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे,
तो ये बनाते हुए मैं रो के एंड में आपको दिखाती हूँ। ये रो वन है हमारी बॉर्डर की राइट साइड से, तो इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बॉर्डर की फर्स्ट रो के एंड में है, तो देखिए लास्ट में दो स्टिच हमारे पास सीधे ही आएंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास जो 70 स्टिचेस हैं। अब हमारी रॉन्ग साइड से रो टू, तो यहाँ पर देखिए ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो उल्टे रो टू में पर्ल टू निट टू, तो ये टू रोज हमने रिपीट करते जाना है। दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, सीधी रो में दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, और उल्टी साइड से दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। तो इसी तरह ये बनाते हुए हम ये बॉर्डर थोड़ा सा बना लेंगे। थोड़ा सा बॉर्डर बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये बॉर्डर मैंने इतना बना लिया। अब यहाँ पर मैं काउंट करके दिखाती हूँ कितनी रोज़ बनाई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये 20 रोज़ बन गए। और अब हमने ये बॉर्डर बनाना है कि इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। अगर आप ये फोल्ड नहीं करना चाहते और आपने ऐसे ही सीधा बनाना है और यहाँ पर बीच में होल बना के आप डोरी बना और इलास्टिक डाल सकते हो। और इस तरह की पैजामी और पैजामास की वीडियो भी मेरे चैनल पर है। और अब हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे। दो फंदे सीधे बनाए और ऊपर से पास ओवर किया, एक फंदा सीधा, पास ओवर, नेट वन, पास ओवर, नेट वन, पास ओवर। तो इसी तरह हम ये कंप्लीट कर लेंगे, सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे और इस तरह से। और इसी तरह हम फ्रेंड्स सेम हम इसकी दूसरी साइड भी बना लेंगे। तो ये मैं दूसरी साइड भी बना करके आपको दिखाती हूँ और ये भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये मैंने बाइंड ऑफ कर लिया और ये हमारी इस तरह से साइड बनी है। और अब मैंने दूसरी साइड भी बना करके रेडी कर ली है इस तरह से। और ये भी मैंने बाइंड ऑफ कर ली। अब फ्रेंड्स हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग देखिए, पहले तो हम ये इसकी ये वाली चीज़ यहाँ से हमने थ्री स्टिचेज इंक्रीज किए थे ये, और यहाँ से ये थ्री स्टिच इंक्रीज किए थे। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम यहाँ ऊपर तक ये हम सारी सिलाई करेंगे। उसके बाद ये साइड यहाँ पर हमने इंक्रीज किए थे और इस साइड भी ये हमने थ्री स्टिचेज इंक्रीज किए थे यहाँ पर। और इसको आपस में इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। जब ये हम स्टिच करेंगे तो उसके बाद ये हमारी चीज़ जो है ये इस तरह से बन जाएगी। फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद ये वाला भी हमने स्टिच करना है इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये फंदे हमने आपस में मिलाने हैं, तो यहाँ पर जो फंदे सीधे हैं इनको हमने उल्टे फंदों के साथ स्टिच करना है इस तरह से। क्योंकि ये वाले फंदे जो इधर सीधे हैं वो इस साइड उल्टे हैं, तो यहाँ पर ये वाली साइड आ जाती है। तो ये फंदे हमने सीधे फंदों को उल्टे फंदों के साथ स्टिच करना है। तो देखिए, ये वाली रो हमने यहाँ से ये वाले फंदे लेंगे, ये लास्ट रो यहाँ से ईजली जो है वो हो जाता है। तो ये सीधे फंदे हैं जैसे, तो ये उल्टे फंदे हैं। तो यहाँ से हम ये वाला स्टिच लेंगे और ये नीडल से सुई से सिलेंगे, और इधर से हम ये वाला उल्टे का, ये सीधा का उठाएंगे, ये उल्टे वाले का। फिर हम ये स्टिच उठाएंगे और इधर से हम ये सेकंड स्टिच उठाएंगे। फिर हमने इधर से ये वाला स्टिच उठाना है और इधर से ये सीधे वाला उठाना है, ये वाला। तो इस तरह से हम सिलेंगे, इधर के ये उल्टे स्टिच लेंगे तो ये सीधे स्टिच। तो इसी तरह मैच करते सिलेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा अच्छा सिल जाएगा। और थोड़ा सा हम इतना सा रख लेंगे जिसके बीच में हम इलास्टिक डाल लेंगे, तो इतना सा स्टिच नहीं करेंगे, वो कहीं भी आप छोड़ लीजिएगा। और ये स्टिच करने के बाद फिर हम ये वाली जो लेग पार्ट है वो भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये तो हमारा स्टिच हो ही जाएगा दूसरी साइड के साथ। तो इस तरह ये स्टिच करते हुए हम ये भी स्टिच कर लेंगे। तो अब मैं ये स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। पहले ये दोनों सिलाइयाँ ये वाली की, उसके बाद ये वाला मैंने इस तरह से सिल लिया और उसके बाद हमने ये सिलाई की। और यहाँ पर मैंने इतना सा छोड़ा है जो मैंने नहीं सिला। अब इसमें इलास्टिक डाल लेंगे और फिर इलास्टिक को डाल करके यहाँ से तो इलास्टिक में सिलाई लगाएंगे। वो सिलाई आप सुई से भी लगा सकते हो, मशीन से भी लगा सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बन करके हमारी रेडी हो गई। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।